खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जिला अस्पताल के वार्ड बॉय का कारनामा सामने आया। गरीब तबके की आबादी को सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराए जा रही जानलेवा हेपेटाइटिस की दवाएं पैसों में बेची जा रही। मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बताते जानलेवा हेपेटाइटिस बी व सी की दवाएं मरीजों से पैसे लेकर बांटने का मामला जिला अस्पताल में प्रकाश में आया। गौरतलब है कि गरीब तबके की आजादी को शासन स्तर से जानलेवा बीमारी की दवाएं सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई जा रही, लेकिन महकमे के ही कारिंदों की कारगुजारी के चलते शासन की योजना कायदे से परवान चढ़ रही। कर्मचारी मरीजों से पैसे लेकर दवाएं बांट रहे। मामले में जुड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। सर, ये 1600 रुपए ले क्या सरकारी अस्पताल में वीडियो वायरल हुआ, बोर्ड वायरल, क्या है मामला? मेरे सिग्नल में मामला आया कल शाम, उसमें कल शाम ही हमने सीमेंट मैडम को एक लेटर लिखे उसको हटाने के लिए कल शाम ही कह दिया है। कोई वो एक संविदा का वर्कर है, अपने प्रदेश से लगा हुआ वर्कर है, कोई वार्ड बॉय टाइप का, उसको कल ही हटा दिया गया उसकी ड्यूटी से। लेकिन साथ में हमने 3 डॉक्टर्स की एक कमेटी बना दी है कल शाम ही, जिसमें एक ACMO, एक मारे माँ से MS और एक माँ डॉक्टर तिवतिया, 3 डॉक्टर की हमने कमेटी बना दी है जो कि ये जांच करेगी कि उस बंदे के पास में सिस्टम से बाहर होते हुए उस बंदे के पास में दवाई कैसे पहुँची, और जैसे जो भी सिस्टम में लकड़ी रही है उसके बाद दवाई पहुँच क्यों पहुँची, कैसे पहुँची, वो दिक्कत नहीं था उस काम के लिए दवाई देने के लिए, इस बात के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। और ये बड़ा सिंसियर और बड़ा सीरियस मैटर है मेरे लिए, क्योंकि हम बड़ी कोऑर्डिनेट करके स्टेट से दवा लाते हैं, हमारे पास बहुत मरीज़ हैं, रोज़ मेरे पास 10-20 लोगों के VIP के पैसे फ़ोन आते हैं, दवा चाहिए मुझे, और ये मैं इसमें बड़े शिद्दत से इसमें लगा हुआ हूँ, लखनऊ से फ़ोन करके गाड़ी भेज के दवा मंगाता हूँ, लेकिन यदि दवाई इस तरह से बिक्री है वहाँ पर तो मेरे प्रयास कहना कि खराब साबित हो रहा है, मेरे प्रयास कहना कि फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे हैं। तो मैंने इन अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई है जो पता करेगी उसके पास दवाई कौन कैसे पहुंची, और जो उसमें चाहे डॉक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट हो चाहे जो भी बंदा हो उसमें, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ 100% सख्त कार्रवाई करूँगा मैं, क्योंकि ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरीज़ मेरे पास रोजाना 10-20-50 मरीज़ मेरे पास रोज़ फ़ोन करते हैं दवाई के लिए, और हम दवा मंगाते भी हैं, लेकिन इस तरह से दवाई का हमारे सिस्टम से बाहर जाना ये सच में एक बहुत ही खराब बात है।